बिना साइंस के क्या हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि एक कोई खुदा है ऐसा? मतलब मैं भी एक मुसलमान हूँ, और मतलब जब मुझे कोई पूछता है कि गॉड एग्जिस्ट करता है, तो मतलब साइंटिफिक रीजंस होते हैं, जैसे डीएनए कोडिंग होती है, और मतलब थर्मोडायनेमिक्स का लॉ, ऐसा वो करके एक एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। बट अगर कोई अगर अपने को ऐसा कहे कि बिना साइंस की मदद से आप गॉड का एग्जिस्टेंस प्रूव करें, और वो भी एक खुदा का, तो बस मुझे ये एक इसका मतलब कैसे जवाब? साबित कर सकते हैं। तो हमने साइंस को इन्वॉल्व कब किया सर? साइंस को तो हम तब इन्वॉल्व करते हैं जब साइंस को यूज किया जाता है खुदा के अगेंस्ट, वगरना तो हम साइंस की कोई कोई एक भी आर्गुमेंट को यूज नहीं करते। और सदियों से हम आर्गुमेंट देते हुए आ रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं खुदा के वजूद के ऊपर बाकायदा फलसफा के अंदर आभास मौजूद हैं, कौनियाती दलाइल, गाई दलाइल, ठीक है, तीन चार किस्म के दलाइल फलसफा के अंदर दिए जाते हैं। तो साइंस का तो यूज हम करते नहीं है। ये तो आजकल जो एथेइस्ट ने यूज करना शुरू किया जनाब, बिग बैंग थ्योरी को पेश करके, हालांकि बिग बैंग थ्योरी का तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो लिहाजा ज्यादातर जो दलाइल दिए जाते हैं वो तो, बल्कि आप तो खुद हर चीज को देखते हैं, हर चीज का मुशाहदा करते हैं। पिछली सदी में ये बहुत बड़ा टॉपिक रहा है द ग्रेट डिजाइनर के नाम से, और इसके ऊपर दर्जनों भी नहीं, सैकड़ों नहीं, बल्कि हजारों हजारों के करीब इसके ऊपर जनाब मुकाला जात लिखे गए हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, और उसके अलावा बहुत ज्यादा इसके ऊपर मवाद मौजूद है। तो ये कहना कि सिर्फ साइंस के तहत ही हम खुदा को, खुदा की एग्जिस्टेंस साबित करते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। नहीं एक्चुअली मतलब मैं भी उस उन्हीं तरीके से, जैसे जैसे ब्रेन का जो इतना ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स ब्रेन है, तो उसको देख के, और अभी कई तरीके के लॉ है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वगैरह, वो सब देख के हम लोग ये सब पता कर सकते हैं। तो मतलब मैं तो मतलब कुछ ऐसा, मतलब वो कैसा है ना कि वो तो जो एथियस वगैरह होते हैं वो ना रेवलेशन की किताबें मानते हैं, मतलब वो बोलते हैं कि ये तो कोई जवाब नहीं हुआ ना कि वो किताब में लिखा है, इसके लिए वो सच हो। मतलब वो हमेशा, मतलब वो बोलते हैं कि ये सब जो एक्सप्लेनेशन भी हुआ ये तो साइंस ने ही किया है। मतलब आपका मतलब खुद का एक साउद ऐसा साहब, कोई असल एक्सपीरियंस? हाँ साउद भाई, असल में आपको एक छोटी सी बात अर्ज करूँ ना। असल बात ये करने वाली है कि साइंस ने एक बनी हुई चीज़ का, आप ये देखिए कि कितना अरसा हो गया साइंस ने इस चीज़ के ऊपर सोचना, देखना, पढ़ना, और इस चीज़ को छोड़ दिया कि हमने ये कभी नहीं सोचना कि क्यों हुआ, हमने कैसे हुआ देखना है। और साइंस का जो मतलब जो स्टडी का फोकस है वो भी कैसे के ऊपर है, क्यों के ऊपर नहीं है। तो कैसे के ऊपर जब भी स्टडी की जाती है तो ऐसी चीज के ऊपर की जाती है जो हो चुकी हो, उसको देखा जाता है कैसे हुआ और क्या लॉस है जो इसके ऊपर अप्लाई हुए। तो वो चीज जो स्टडी ही ऐसी चीज के ऊपर हो रही हो, वो काम जो पढ़ किया ही ऐसी चीज के ऊपर जा रहा हो जो कि पहले हो चुका है, और बात ये हो रही है कि उस काम के करने वाले के उस काम के करने वाले के बारे में बात हो रही हो, तो इस चीज को दोनों मिलाया नहीं जा सकता। साइंस सिर्फ इस चीज को स्टडी, मतलब बिल्कुल इसी तरीके से है कि मैं एक फर्नीचर बनाऊं और एक बंदा आके ये देखे कि ये जो ना वो फर्नीचर बना कैसे, अच्छा की लगे, ये लगे, वो लगे, इससे मेरा होना, मेरा ना होना कैसे साबित हुआ? मेरा तो होना साबित हो रहा है ना इस चीज से। इस जी मतलब ये कि साइंस की स्टडीज ये प्रूफ नहीं कर सकती कि खुदा नहीं है, वो ये जरूर प्रूफ कर सकती हैं कि जितनी उन्होंने कि इतनी जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं वो किसी इंसानी अकल का, देखें आज इंसान को अल्लाह ताला ने, हमारा जो ये हम फ्री विल की बात करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें फ्री विल दे के भेजा है इस लेवल तक कि कोई भी आज एक रोबोट जो है ना, रोबोट वो जैसे ही जरा थोड़ा सा खतरा जापान को महसूस होने लगा है या किसी और मुल्क को महसूस होने लगा है, उन्होंने रोबोटिक्स के ऊपर चीजों के लॉज बनाने शुरू कर दिए कि कहीं ये इंसान से ऊपर ना हो जाए, ये ना हो जाए, इंसान का इनकार ना कर दे, इस तरह की। खालिक को इस लेवल की अथॉरिटी इंसान को दे के भेज दिया कि आज वो इंसान आके अल्लाह का इनकार कर देता जब तक उसके पास टाइम है इस दुनिया के अंदर। उसके साथ बाद में क्या होगा वो तो अल्लाह ताला ने अपनी किताब के अंदर बिल्कुल वाज़े तरीके से बयान कर दी है, लेकिन इंसान खुद देखें कितना डरता है कि एक रॉबर्ट को वो इतनी अथॉरिटी नहीं देना चाह रहा कि उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक हद तक रहे। इलोन मस्क को वो कह रहा है जी ये तबाही मचा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो गुजारिश असल में ये है कि जो बनी हुई चीज़ है
उसके हवाले से स्टडी करने वाला खालिक का इनकार कैसे कर सकता है? ये तो लॉजिक ही कोई नहीं है। मतलब ये कि एक मेरी बनाई हुई कुर्सी, उसको देखने वाला कि इसको कील लगे, इसको इधर से जोड़ा गया, लकड़ी वहां से ली गई है, ये हुआ है वो हुआ है, इससे ये कैसे साबित होता है आसिम एग्जिस्ट नहीं करता? इससे तो ये साबित हो रहा है कि भाई कुर्सी की स्टडी हो रही है तो कोई बनाने वाला है। जी बिल्कुल आसिम भाई, बहुत ज़बरदस्त आपने गुफ्तगू की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में खुद इरशाद फरमाते हैं, वह हदई ना हुन नजदईन, और हमने इनको दोनों रास्तों की तरफ हदायत दी। अब दोनों रास्ते अल्लाह ताला ने दिखा दिए हैं, इंसान को इख्तियार दे दिया है। अब चाहे कि वो बुराई का चूज करता है या फिर वो अच्छाई का चूज करता है, ये इंसान के ऊपर डिपेंड है। अब जब उसको चूज करने का जो इख्तियार है वो दे दिया, अब ये उसके ऊपर डिपेंड है कि वो कैसे जिंदगी गुजारता है। और मेरे ख्याल से सऊद साहब का जो मुकदमा था, गालबन जो मुझे समझ आया वो ये था कि एथिस्ट का ये कहना है कि साइंस जो है वो खुदा के वजूद को साबित नहीं करती, और आप जो है जो भी दलाइल देते हैं वो साइंस की रूह से देते हैं, इसके हट इससे हटकर आपके पास कोई दलील मौजूद नहीं है। अगर ये बात जो मैं समझा यही है, ऐसा ही है। पहले नंबर पर तो ये देखें कि अगर खुदा के वजूद को साइंस साबित नहीं ना करती, तो साइंस जो है वो खुदा के वजूद का इनकार भी नहीं करती। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि हर चीज का एक क्राइटेरिया होता है, हर चीज का एक दायरा इख्तियार होता है। साइंस के दायरा इख्तियार के अंदर बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ उन चीजों के ऊपर रिसर्च करना कि जो हमें आंख के साथ नजर आती हैं। साइंस का तो ये मशगला ही नहीं है, साइंस का तो ये दायरा इख्तियार ही नहीं है, ना ही ये साइंटिफिक मेथड के ऊपर पूरा उतरता है कि वो खुदा के वजूद का इनकार करे या उसको तस्लीम करे। खैर, आज के हमारे डिस्कशन का ये मौजू बिल्कुल नहीं है, वगरना इसके ऊपर मैं काफी तफसील करता। अगर आप तफसील देखना चाहते हैं तो हमारे इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक स्ट्रीम मौजूद है, कैन बी साइंस डिनाई रिलीजन के नाम से। उसके अंदर हमने ऐसे तमाम इतराजात का तफसीली जवाब दिया हुआ है, आप उसको मुलाहजा कीजिएगा। बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने का।